लद्दाख और डोकलाम के बाद चीन ने इस बार अरुणाचल में नया मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष सवाल उठा रहा था कि चीन पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं? और वहीं कल उन्होंने शिलांग से जहां चीन को डंके की चोट पर निर्माण जारी रखने का संदेश दिया, वहीं आज सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उससे चेताया और कहा कि ये 1962 नहीं 2022 का भारत है। मैं इतना ही कहूंगा, ये 1962 का भारत नहीं 2022 का भारत है। डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। तवांग की झड़प के बाद लगातार दूसरे दिन सरकार ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से झड़प के बाद पूर्वोत्तर के पहले दौरे पर थे, तो वहीं आज देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन को सीधा संदेश दिया। पीएम मोदी ने मेघालय के शिलांग से चीन को दो टूक कह दिया कि अपने इलाके में भारत बुनियादी ढांचों का निर्माण डंके की चोट पर जारी रखेगा। नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई, लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। दरअसल चीन जहां लद्दाख से लेकर डोकलाम और अरुणाचल के उस पार अपने इलाके में तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है, वहीं वो भारत की ओर से किए जा रहे निर्माण पर ऐतराज जताता है। वो कहता है कि ये विवादित इलाके हैं, जबकि अपने अधीन इलाकों में धड़ल्ले से गांव के गांव बसा रहा है। इसी का जवाब शिलांग से पीएम मोदी ने दिया, तो वहीं इस पर देश में हो रही सियासत का जवाब देने का जिम्मा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संभाला। लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही उनकी नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइड की सोच थी और हम डिवाइन का इरादा लेकर आए हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं, देखिए कैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, रफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के साथ ही सरकार वहां के लोगों की एक बड़ी शिकायत को भी दूर करने में जुटी है। कई इलाकों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू है, जो सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार देता है। इसके दुरुपयोग की घटनाएं भी सामने आई हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि पूर्वोत्तर के कई हिस्सों से इस विवादित एक्ट को हटा दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से से अफ्सपा को हटाया गया है, त्रिपुरा और मेघालय से पूर्णतः हटाया गया, अरुणाचल में केवल 3 जिलों में बचा है और असम को भी 60% से अधिक अफ्सपा मुक्त कर दिया गया है। मणिपुर के भी 15 पुलिस स्टेशन जो 6 जिलों में आते हैं उसको भी डिस्टर्ब एरिया की क्षेत्र से हटा दिया गया है, श्रेणी से हटा दिया गया है, और नागालैंड में भी डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन से 15 पुलिस स्टेशन को 7 जिलों में हटाया गया है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि पूर्वोत्तर में अब काफी हद तक शांति है। पूर्वोत्तर में सरकार को चीन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में उन राज्यों में शांति कायम रखना बेहद अहम है। वहीं चीन से लगती सीमा पर बुनियादी ढांचे में तेज विकास भी जरूरी है, ताकि किसी भी स्थिति में सीमा तक सैनिकों और साजो सामान को जल्द से जल्द ले जाया जा सके। आज तक ब्यूरो।